नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 7 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। इंडियन ऑयल ने 482 अप्रेंटिस पदों के लिए निकाली भर्तियां। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह भर्ती कंपनी के 5 स्थान वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन, ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, सदर्न रीजन पाइपलाइन और साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन के लिए है। इस भर्ती के तहत कुल मिलाकर 482 अप्रेंटिस का चयन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 नवंबर से पहले PLIS.IndianOilPipelines.IN पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। तीसरे चरण का मतदान होगा आज। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान आज करवाए जाएंगे, जहां पर कुल मिलाकर 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा, जहां पर कुल मिलाकर 1204 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है, जिसमें 1094 पुरुष और 110 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और बाकी बचे 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आखिरी चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजय प्रसाद यादव, विनोद नारायण झा, रमेश ऋषिदेव, नरेंद्र नारायण यादव, बीमा भारती, लक्ष्मेश्वर रॉय, खुर्शीद फिरोज अहमद, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। हाजीपुर के बटेश्वरनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बटेश्वरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा बिहार का प्राचीन मंदिर है। यह हाजीपुर के पूर्व में स्थित है। यह मंदिर मुगल काल से यहां स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति हजारों साल पुराने बरगद के वृक्ष के बीच में हुई तथा अनेक लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर स्वनिर्मित है। इसके परिणाम स्वरूप उनके भक्त यहां आते हैं। फरवरी के महीने में वसंत पंचमी के अवसर पर यह मंदिर उत्सव में डूब जाता है तथा महाशिवरात्रि के समय यहां पर एक मेला लगाया जाता है जो 1 महीने तक चलता है। दिवाली और छठ पूजा के लिए पटना से चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिवाली और छठ में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही घर आने जाने वाले लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल की तरफ से 10 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक पटना से रांची, धनबाद, बरकाकाना, सिंगरौली और दुर्ग के लिए यह स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसकी पूरी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दे दी है और बताया है कि पर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 700 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की रफ्तार कम होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 746 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 220,992 पर पहुंच गई है। प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 10, अरवल में 6, औरंगाबाद में 12, बांका में 4, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 29, भोजपुर में 4, बक्सर में 16, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 30, गोपालगंज में 14, जमुई में 15, जहानाबाद में 10, कटिहार में 1, खगड़िया में 8, किशनगंज में 20, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 3, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 62, नवादा में 21, पटना में 228, पूर्णिया में 11, रोहतास में 34, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 7, सारण में 11, शेखपुरा में 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 16, सुपौल में 10, वैशाली में 10, पश्चिम चंपारण में 9 मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में कोविड 19 के सक्रिय मरीजों की बात करें तो ये 6,951 है। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 1,129 लोगों की जान जा चुकी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कवि कुमार आजाद की। कवि कुमार आजाद एक भारतीय अभिनेता थे, जिन्हें लोकप्रिय भारतीय सिटकॉम तारक मेहता में डॉक्टर हंसराज हाथी के रूप में पहचाना जाता था। साल 2018 में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लोगों को हंसाने वाले कवि कुमार आजाद का जन्म बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। हालांकि पहले लोग उन्हें हरपाल के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर कवि कुमार आजाद रख लिया। उन्हें अभिनय और लेखन में रुचि थी। उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में भी काम किया है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई लघु फिल्मों में काम किया और कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई। समूचे बिहार में दिसंबर से हवाओं में दिखेगा कुहासा। इस बार बिहार में ठंड लोगों की हालत खराब कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में ठंड का असर अभी से ही दिखने लगा है। नवंबर का महीना शुरू होते ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हफ्ते भर के अंदर 6 डिग्री
तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिन के तापमान में भी लगभग 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और रात के वक्त पारा तेजी से नीचे आते भी देखा जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है, जिसकी शुरुआत 1858 में हुई थी। 1858 में भारतीय क्रांतिकारी शिक्षक और पत्रकार बिपिन चंद्र पॉल का जन्म हुआ था। 1888 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सीवी रमन का जन्म हुआ था। 1978 में इंदिरा गांधी को भारतीय संसद के लिए फिर से चुनी गई थी। 2015 में भारतीय निर्देशक और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। पटना हाई कोर्ट ने एसटी कल्याण के बजट में तय राशि खर्च नहीं होने की मांगी जानकारी। सरकार आए दिन समाज के निचले पायदान पर मौजूद लोगों की मदद करने के लाख दावे करती रहती है, मगर सच्चाई कुछ और ही है, जिसका खुलासा हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट की तरफ से साझा की गई ताजा टिप्पणी के अनुसार एसटी की बदहाल स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कोर्ट मित्र की रिपोर्ट के आधार पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य में एसटी कल्याण के लिए बजट का जो हाल है वो हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में बिहार आदिवासी अधिकार फोरम की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई थी। लालू यादव की जमानत याचिका टली। लालू यादव के चारा घोटाले मामले में जमानत याचिका को बीते दिन टाल दिया गया है, जिसके बाद अब यह सुनवाई 27 नवंबर को करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के मामले में सीबीआई लगातार विरोध कर रही थी, वहीं अब सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा है, जिसके बाद सीबीआई के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 23 नवंबर तक कोर्ट ने सीबीआई से काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है। बिहार चुनाव की स्थिति पर सुनील अरोड़ा ने जारी किया अपना बयान। कोरोना के माहौल में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। वहीं चुनाव के बीच बिहार चुनाव की स्थिति पर सुनील अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। कोरोना के माहौल में चुनाव करवाने का फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने आगे कहा कि जब हमने यह फैसला लिया था तो खूब निंदा हुई थी। यहां तक कहा गया था कि बिहार में चुनाव कयामत लेकर आएगा, लेकिन 2 चरणों के वोटिंग के बाद स्थिति सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की वोटिंग साल 2015 में देखने को मिली थी, वैसे ही इस बार भी देखने को मिली है। क्लोन ट्रेन से बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने जारी की खुशखबरी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने अब तक कई फैसले जारी किए हैं। वहीं इसी बीच रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए अब क्लोन ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए अब वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को क्लोन ट्रेन में कंफर्म सीट देकर भेजने का फैसला किया है। रेलवे ने कहा है कि क्लोन ट्रेन मुख्य ट्रेन से 1 घंटे बाद चलाई जाएगी। खास बात यह है कि कई क्लोन ट्रेनें अब गाजियाबाद और साहिबाबाद में भी रुकेगी। इससे नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दादरी में रहने वाले लोगों को काफी आराम मिलेगा। आपको बता दें, कई स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद घर आने वाले यात्रियों की कतार लंबी देखी जा रही थी। आनंद किशोर की पहल पर ई ऑफिस से लैस हुआ नगर विकास एवं आवास विभाग। बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग ई ऑफिस से पूरी तरीके से लैस हो गया है। 19 अक्टूबर से ही विभाग में अपनी फाइलें ई ऑफिस के माध्यम से सफलतापूर्वक निपटाई जा रही है। विभाग के सचिव आनंद किशोर द्वारा कार्यालय कार्य हेतु ई ऑफिस के क्रियान्वयन की पहल के बाद विभाग में सभी फाइलों का ऑनलाइन निष्पादन हो रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग अब न केवल ई ऑफिस से पूरी तरह लैस है, बल्कि विभाग पारदर्शिता से सरकारी कार्यों का निपटारा भी कर रहा है। सचिव आनंद किशोर ने बताया कि 19 अक्टूबर से विभाग के सभी फाइलें ई ऑफिस के माध्यम से सफलतापूर्वक निपटाई जा रही है। पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक के घर पर ईडी का छापा। बीते दिन ईडी ने पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक के घर पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ओपी चौधरी के खिलाफ धन शोधन संबंधी जांच में 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति में पटना, गाजियाबाद, पुणे और बेंगलुरु में फ्लैट तथा प्लॉट, 3 वाहन और बैंकों में जमा राशि शामिल है। आपको बता दें, यह संपत्ति धन शोधन निवारण कानून के तहत जारी अंतिम आदेश के तहत जब्त की गई है। वहीं ईडी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन अधीक्षक और पीएमसीएच के अन्य अधिकारियों ने मशीनों और उपकरणों को उच्च दर पर और अधिक मात्रा में खरीदा था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था, इसलिए यह कदम उठाया गया है। शहीद गोपाल शर्मा को दी गई अंतिम विदाई। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गोपाल शर्मा शहीद हो गए थे, जिसके बाद उन्हें
बीते दिन अंतिम विदाई दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उनके शरीर को बीते दिन जहानाबाद के कांबा गांव में पहुंचाया गया था। अपने शहीद बेटे के जाने के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान भी आखिरी विदाई में उनके साथ थे। आपको बता दें, जहानाबाद के कल्पा गांव के लाल सीआरपीएफ में कार्यरत गोपाल उर्फ सोनू छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे। वहीं आपको यह भी बता दें कि शहीद के पैतृक गांव में शरीर पहुंचते ही परिवार वालों में शोक की लहर देखने को मिली। मौसम विभाग ने गेहूं के लिए बताया उपयुक्त मौसम। बिहार का मौसम कई दिनों से शुष्क बना हुआ है, वहीं अब हर दिन के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सर्दी का असर भी अब दिखने लगा है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ ही जैसे जैसे पश्चिमी विभोक्ष आगे बढ़ता है, उसके बाद पीछे से उत्तरी पश्चिमी दिशा में बर्फीले एवं ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के माने तो अभी 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क भी बना रहेगा। इसके साथ ही मौसम के अनुमान के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई शुरू करने के लिए मौसम बिल्कुल उपयुक्त है। नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों की गई कुर्सी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान करवाए जाएंगे। इसी बीच नीतीश सरकार के 2 मंत्री बीते दिन से कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार का नाम शामिल है। ये दोनों बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। दोनों की सदस्यता 6 मई 2020 को खत्म हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य रहे बगैर कोई भी 6 महीने से ज्यादा मंत्री पद पर नहीं रह सकता है। आपको बता दें, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इस बारे में आर्टिकल 164 के तहत अधिसूचना जारी कर दी थी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर कसा तंज। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू यादव 1000 करोड़ के चारा घोटाले के 4 मामलों में सलाखों के पीछे हैं, वो अब मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मामले की सुनवाई 27 नवम्बर तक टालने के साथ जैसे 9 नवम्बर को उनके जमानत पर छूटने के दावे की हवा निकल गई है, वैसे ही महागठबंधन के सत्ता में आने और एक झटके में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की हवा हवाई दावे भी झूठे साबित होंगे। इनका परिवार शुरू से ही घोटालों से लिप्त रहा है। चिराग पासवान ने फिर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर। बिहार में आज तीसरे और आखिरी चरण के तहत मतदान होने वाले हैं। वहीं इसी बीच लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीते दिन एक बार फिर से निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव है। इस बार पिछले 5 साल का हिसाब अभी दिया नहीं और अभी से बता दिया है कि आखिरी बार हिसाब देने आएंगे या नहीं। इसलिए सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप अपना अधिकार उनको ना दें, जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। अगले चुनाव ना साहब रहेंगे ना जदयू, फिर हिसाब किसे लेंगे आप, वो ये बता दे। हालांकि इससे पहले भी चिराग कई बार सरकार पर निशाना साध चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हार का भी ऐलान कर चुके हैं। पप्पू यादव ने भाजपा जदयू के बीच साठगांठ होने की कही बात। जाप नेता पप्पू यादव ने बीते दिन राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं 156 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रहा हूं और 156 घंटे हवा में रहा। मुझे प्रचार के दौरान ऐसा लगा कि नीतीश कुमार थके हुए इंसान है, वो कृपा पर मुख्यमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान को इमोशनल ब्लैकमेल भी बताया है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने राजद और भाजपा के बीच मिलीभगत होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा ही नीतीश को हराना चाहती है। भाजपा ने ही लालू पर चल रहे जांच को रुकवाया है। ये समझने की जरूरत है कि क्या वीआईपी को 11 सीट देने वाली भाजपा लोजपा को 30 सीट नहीं दे सकती थी। वोटिंग से ठीक पहले जदयू को लगा बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान आज होने वाला है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन जदयू विधायक राजकिशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, जदयू की तरफ से टिकट काटे जाने के बाद विधायक राजकिशोर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही थी, मगर मतदान से ठीक एक दिन पहले उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। अब व्हाट्सएप में ऐड हुआ पेमेंट ऑप्शन। व्हाट्सएप ने अब अपने यूजर के लिए एक नया फीचर रोल किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप की मदद से अब यूजर पेमेंट भी कर सकेंगे। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। इसके बाद अपने फोन में व्हाट्सएप खोले और सबसे ऊपर दाएं कोने में 3 डॉट आइकॉन पर क्लिक करें। अब पेमेंट्स पर क्लिक करें, पेमेंट मेथड ऐड करें। अब आपको बैंक की एक लिस्ट मिलेगी। इसके बाद आपके फोन नंबर का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अन्य पेमेंट्स ऐप्स की तरह ही लेन देन के लिए यूपीआई पिन सेट करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट पेज पर आपके द्वारा चुना गया बैंक दिखने लगेगा। नेपोटिज्म पर अभिषेक बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के
तुलना हमेशा उनके पिता से की जाती है। वहीं अभिषेक भी कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं। इसी बीच अब अभिषेक बच्चन ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर ऑडियंस आपके काम को स्वीकार नहीं करती है तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर कहा कि उनके पिता ने कभी भी उनके लिए किसी से सिफारिश नहीं की, ना ही उन्होंने उनके लिए कोई फिल्म बनाई। हालांकि इसके उल्टा मैंने उनके लिए फिल्म पा को प्रोड्यूस किया था। खराब फॉर्म को लेकर ट्रोल हुए पृथ्वी शॉ। बिहार से निकले खिलाड़ी पृथ्वी शॉ के खराब परफॉर्मेंस को लेकर उनको ट्रोलर्स ने खूब ट्रोल किया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में अपने खराब परफॉर्मेंस से जूझते नजर आए। इसके साथ ही अपना खाता खोलने में भी वो नाकामयाब रहे, जिसके बाद ट्विटर पर लोगों ने उनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ को लेकर मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। मुंबई के खिलाफ पहला क्वालिफायर गंवाने के बावजूद दिल्ली की टीम हालांकि फाइनल में पहुंचने का अभी भी एक और मौका है और आगे भी रहेगा, मगर दिल्ली की बल्लेबाजों की पारियों को देखते हुए प्रशंसक काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,800 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,800 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है के नाम है अरफानाज, सोनू यादव, अमित कुमार, अंकित कुमार, ब्रजभूषण गोंड, सकल सिंह, विकास कुमार, ऋतु रानी, असीम इकबाल, विपिन कुमार, विकी कुमार, ऋषभ कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आप अपने हिसाब से अपने जिले के मशहूर व्यक्ति का नाम बताइए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।